गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी बज रहा है, सुबह का 10:15 होने वाला है और मैं नहा के पूजा हो गई है और आज मैं कोई ब्रेकफास्ट नहीं बनाने वाली। रीज़न ये है कि बहुत सारे फ्रूट्स रखे थे, जो हम लोग क्या करते हैं ना, अगर ब्रेकफास्ट कर लो तो वो फ्रूट्स नहीं खाए जाते, सिर्फ एक एप्पल खा लेते थे, बाकी जो फ्रूट्स पड़े रहते थे वो पड़े ही रहते थे। और बहुत टाइम से ऐसा हो रहा था मेरे साथ, होता क्या था कि ब्रेकफास्ट कर लो, फिर थोड़ा सा टाइम देते थे कि उसके बाद खा लेंगे, बाद कब होता, कभी होता ही नहीं था, फिर खाना खा लेते थे। सो ऐसा हो रहा था। सो मैंने क्या किया है, आज मैंने कहा कि आज कोई ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, आज मैंने सारे फ्रूट्स कट कर दिए हैं, शाइन को, आशी को, मैं अपना भी, सो मैं वही आज देने वाली हूँ सबको। ब्रेकफास्ट कुछ नहीं बनेगा, उसके बाद मैं सीधा डायरेक्ट खाना बना दूंगी, जिससे थोड़ा सा टाइम मुझे भी मिल जाएगा। काम, घर में काम बहुत सारा है, बहुत फैला पड़ा है और 2-3 दिन बाद रक्षाबंधन भी है। सो घर में थोड़ी सी सफाई तो करनी पड़ेगी, क्योंकि शाइन ना बहुत फैलाता है, इतना टॉइस बहुत फैलाता है, इतना फैला देता है ना, कभी कभी तो समझ नहीं आता। तो मैं क्या करती हूँ ना, कभी कभी छोड़ देती हूँ कि मैं कितना करूँगी, क्योंकि डेली उतना ही फैल जाना है, मतलब अभी मैं रखूँगी, सुबह सुबह फिर वही हो जाना है, तो मैं कभी कभी छोड़ देती हूँ। सो आज बहुत, घर बहुत ज़्यादा फैला पड़ा है। सो मैं जा रही हूँ पहले ये ब्रेकफास्ट कर ले, यही हमारा आज ब्रेकफास्ट है। अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, मैंने सारे फ्रूट्स कट कर लिए हैं, बट जो पॉमीग्रेनेट थे ना वो आज, वेट शाइन, हाँ कमिंग कमिंग मम्मा मम्मा कमिंग, वेट, गो रिमूव योर रिमूव। सो शाइन कुछ कहता रहता है अपना। सो मैं जा रही हूँ, पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद मैं बनाऊंगी खाना, उसके बाद मुझे आज बहुत काम है। सो देखते हैं। और आजकल मौसम ना बहुत ख़राब हो गया है, इतना ख़राब हो गया, मतलब इतनी गर्मी हो गई है, इतना अजीब सा हो गया है, मतलब गर्मी भी नहीं है और वैसा ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बारिश जब हो रही थी तब तो अच्छा था, अभी बारिश नहीं हो रही है तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई है। अभी जाते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। मिलती क्या हूँ मुझे नहीं पता, आज मैं क्या करने वाली हूँ, क्योंकि काम मेरे पास ज़्यादा है। आप देख दिखाएंगे, दिखाऊंगी मैं आपको। ये देखो कितना ज़्यादा फैला पड़ा है, तो मुझे सारा ठीक करना है और थोड़ी सी सफाई ज़रूरी है। सो मैं पहले काम कर लूँ, पहले कुछ खा लूँ, उसके बाद काम कर लेती हूँ। अब मेरी ना छोटी छोटी मैं बिंदियाँ लगाती हूँ, बट मेरी ख़त्म हो गई है, मुझे लेके आना पड़ेगा नीचे से, तब जाके लगाऊँगी। हाय, मिलती हूँ अभी बाद में, पता नहीं मिलूँगी कि नहीं, आई डोंट नो, बट देखते हैं। तो ये रहा हम दोनों का नाश्ता, मेरा और शाइन का। आशी को मैंने दे दिया है और इसमें है एक एप्पल, एक बनाना और 2 मैंने पॉमीग्रेनेट कट किए थे, जिसमें हम तीनों ने डिस्ट्रीब्यूट करके ले लिया है। और ये शाइन की प्लेट है और शाइन का वो एप्पल जो होता है ना, कभी कभी एप्पल का जो छिलका है ना वो हार्ड होता है, तो मैं पील करके उसको दे देती हूँ, नहीं सॉफ्ट होता है तो मैं ऐसे ही खा लेता है वो, बट आज का थोड़ा सा ऐसा लग रहा था हार्ड है। सो इसके बाद मैं बनाऊँगी लंच, लंच में भिंडी की सब्ज़ी और दाल चावल, और ये है दाल, ये छिलके वाली दाल है, ये मैं घर से लेके आती हूँ, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। सो लंच में मैं यही बनाने वाली हूँ उसके, और अभी कर लेते हैं अपना अपना नाश्ता, क्योंकि बहुत काम है आज, और जब ज़्यादा काम हो तो हेल्दी खाना भी बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मैं डेली ही यही करती हूँ, अगर आप ऐसे कट कर देंगे ना तो सब खा लेंगे, तो मैं डेली ऐसे ही बना के सबको प्लेट दे देती हूँ, सब अपना अपना खा लेते हैं। इसके बाद ये आ जाते हैं, बज गए हैं यहाँ पे 3 और मैं और शाइन लगी हुई हूँ काम में, क्योंकि मैंने क्या किया ना, लंच वंच बना दिया, उसके बाद मैंने सोचा लंच कर लो उसके बाद काम करेंगे, क्योंकि काम में बहुत टाइम लग जाता है, फिर लंच लेट हो जाता है। सो मैंने लंच वंच हो गया हम लोगों का, अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे काम। और ये शाइन ना बहुत टॉय फैलाता है, सो मैंने इसको ही बोला है कि चलो तुम ही लगाओ, वैसे तो उसे अच्छा लगता है काम करना, जब भी इसको कुछ बोले तो कर देता है। और तो आज उसने ना मेरे साथ 2-3 घंटे काम करवाया, थोड़ी सी मुझे भी हेल्प मिल गई कि जो भी बोल दो कि ये रख दो ये रख दो, तो वो भी रखवा लेता है। बहुत ज़्यादा घर ऐसे ही फैल गया था, बहुत टाइम से मैंने किया भी नहीं था, मैं सोचती हूँ कर देती हूँ, वो सुबह सुबह फिर फैला देता है, मैंने सोचा चलो छोड़ो, बट अभी रक्षाबंधन आ गया है, कल परसों रक्षाबंधन है इनफैक्ट, तो काम करना बहुत ज़रूरी था। सो मैंने सोचा आज ही कर लेते हैं, बट हुआ क्या, ये सारा काम करने के बाद ना मैं बहुत थक गई, और सुबह मेरा रात में खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं हुआ कि मैं खाना बनाऊँ। सो मैंने आशी को, आशी भी बोलने लगी कि तुम कब से लगी हुई हो, चलो आज कुछ खा लेते हैं, बाहर ही खा लेंगे। सो हम लोग गए थे थोड़ा सा खाना खाने, मैं बताती हूँ क्या। और शाइन तो बहुत ही एक्साइटेड होता है जब उससे कुछ कहा जाए कि चलो बाहर घूमने चलते हैं, और बच्चों का यही होता है।
शहन जा रहे हैं हमारे मार्केट। कहाँ जा रहे हैं शहन? मार्केट। मार्केट क्या खाना है आपको? उत्पम। उत्पम एंड और एंटीक। मम्मा शाइन डोंट डू दिस अगेन एंड अगेन। नीड मम्मा। वेयर इज योर मास्क? दिस। लेट्स गो। You hide your face. So let's go. Oh, it's tied. ये मम्मा ने ना बेटा टाइट किया है क्योंकि ना ये गिर जाता था पीछे से, ये मम्मा ने टाइट कर दिया है यहाँ से। वेट वेट, चलो बाहर चलेंगे वहीं लगा लेंगे। वेट बॉटल। Where is your water, Shai? See, I need this. What do you want? I need this. What do you need this water? This juice? Yes. I'm not getting juice for you. Want this? There's juice. भैया इन करना है, कुछ ईट करना है तो वो बताओ ना आप। सो हम लोग यहाँ पे डिनर करने आए हैं, बट डिनर में मैं जब भी कहीं भी बाहर खाना खाती हूँ तो नॉर्मल खाना नहीं खाते हम, क्योंकि वही तो घर पे खाते हैं, वही खाने से क्या फ़ायदा। सो शाइन अपना डिसाइड कर रहा है कि ये क्या लेगा, क्योंकि इसके ना आजकल अलग ही नखरे हैं कि ये क्या लेगा। बहुत ही अच्छे से थोड़ा बहुत रीड करता है तो पिक्चर देख लेता है, उससे बता देता है कि मुझे ये खाना है ये खाना है। What do you want to eat? चपाती। चपाती? होममेड चपाती? Anything else? Noodles? Pulao? Mama can make pulao? सो मैंने लिया है मटर कुलचा, मुझे मटर कुलचा बहुत पसंद है, और आशी ने लिया है डोसा, और शाइन ने लिया है सैंडविच, ग्रिल सैंडविच, बट इसकी सैंडविच आई नहीं सुबह, ये मेरा खाना है। अब थोड़ा थोड़ा ना अपने हाथ से खाने लगा है, कोशिश करता है, थोड़ा बहुत गिर जाता है, बच्चा है थोड़ा बहुत तो गिराएगा, बट खा लेता है अपने हाथ से। और आज आशी और शाइन दोनों मैचिंग मैचिंग करके आए थे, पता नहीं कैसे मैचिंग हो गई, मैंने शाइन को दिया फिर आशी को भी मैंने वही टी शर्ट दे दी, मैं भूल गई कि मैंने शाइन को क्या पहनाया। बट अभी शाइन की सैंडविच नहीं आई है, सो ये मेरा कुलचा खा रहा है क्योंकि उसको भूख लग रही थी। और ये देखिए ये आ गई है इसकी सैंडविच। हुआ क्या, ये कह रहा था मुझे नूडल्स खाने हैं, बट मैं नूडल्स अभी ना इसको देती नहीं हूँ, तो मैंने बोला पहले सैंडविच खा ले उसके बाद देखते हैं, अगर भूख लगेगी तो नूडल्स खिला देंगे। बट पता नहीं सैंडविच के साथ इन्होंने फ्रेंच फ्राई दे दी, बट जबकि हम लोग बाजार की फ्रेंच फ्राई हम इसको देते नहीं हैं, बट अगर प्लेट में आ गई तो क्या कर सकते हैं, बच्चा है मानेगा तो है नहीं, तो बहुत इन्जॉय कर रहा था, इसको फ्रेंच फ्राई बहुत पसंद है। बट मैं घर पर बनाती हूँ, बाजार की नहीं देते हैं, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते हैं, महीने में एक दो दिन खा लेते हैं कोई बात नहीं। बट हाँ हम लोग ज़्यादा बाहर नहीं खाते हैं, लेकिन कभी कभी मन नहीं होता है कि डेली थक जाते हैं तो मैं सोचती हूँ चलो खा लेते हैं, तो ये हम लोग अपना खा लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे शॉप पे ये बहुत अच्छा, इसका जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा लगता है मुझे, छोटे छोटे वो समोसे आते हैं ना इनका टेस्ट मुझे बहुत पसंद है, बट मैं नहीं खाती हूँ सोच के कि मोटे हो जाएंगे, नहीं लेते हैं देख देख के। बट आज ना इतना मन कर रहा था मैंने सोचा चलो ले लेते हैं, बहुत टाइम से नहीं खाए थे मैंने, मैं बहुत अच्छा कोशिश करती हूँ कि जितना कम हो सके उतना खाऊँ, बट हाँ कभी कभी होता है ना अपनी टंग पे कंट्रोल नहीं होता है, तो फिर मैंने ये डेली एक ही डिब्बा लिया था, बहुत कुछ था बट एक ही लिया था। आशी का क्या है, उनका तो कुछ मतलब ही नहीं है, वो कुछ भी नहीं लेते हैं, वो अपने टंग पे इतना कंट्रोल कर लेते हैं, मैं नहीं कर पाती। उसके बाद परसों रक्षाबंधन है, तो मैंने सोचा कल, क्योंकि सैटरडे को ना बहुत भीड़ रहेगी, तो मैंने सोचा इतनी भीड़ में जाने से अच्छा है मिठाई आज ही ले लेते हैं। और तो मैंने थोड़ी सी मिठाई ले ली, घेवर ले लिया,
रसगुल्ले भी ले लिए क्योंकि प्लेट में थोड़ा तो चाहिए ना लगाने के लिए। सो ये है घेवर और घेवर फेवरेट है मेरा। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।